हाय फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी मंगराजपुर एससीएस लिमिटेड में जो चीफ एग्जीक्यूटिव पद के लिए वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे, आपको ऐसे जानकारी मिलते रहे। सबसे पहले चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये है मंगराजपुर चौधर कटक के लिए है। इसके बारे में हम अभी डिटेल्स में देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसके लिए? क्वालिफिकेशन रहेगा जो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जो भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद में प्रिफ्रेंस वो लोग किस किस को दे रहे हैं? प्रिफ्रेंस दे रहे हैं जो लोग कोर्स किए हैं SDCM, MA, MSc, MCOM, MCA, MBA, LLB, BBA, BCA, डिप्लोमा इन कॉरपोरेशन मैनेजमेंट, ये सब में जो लोग कोर्स किए हैं इनको प्रिफ्रेंस मिलेगा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इनके लिए एज कितना रहेगा? जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे उनका एज रहेगा 21 साल से 32 साल तक का। जो लोग SC ST SC BC फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक सर्विस मैन है उनके लिए एज रहेगा 37 ईयर्स तक का। और जो लोग ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एम्प्लॉई है उनके लिए एज का रिलैक्सेशन बढ़कर 45 ईयर्स तक हो गया है। पेमेंट क्या रहेगा? पेमेंट की बात करें या सैलरी की बात करें तो उनका पेमेंट रहेगा 5200 से लेकर 20200 तक, और उनका ग्रेड पे रहेगा 1900 रुपया। एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में बता दूं, एप्लीकेशन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, फीस कितना रहेगा, ये सब के बारे में शुरू करते हैं। एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि आपको एप्लीकेशन खरीदना पड़ेगा, फिर इसको सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस रहेगा 100 रुपीज़। ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी मंगराजपुर SCS लिमिटेड में। एप्लीकेशन कलेक्शन टाइम क्या रहेगा? एप्लीकेशन कलेक्शन टाइम रहेगा 18 जनवरी से 30 जनवरी सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। एप्लीकेशन सबमिशन टाइम रहेगा 18 जनवरी से 30 जनवरी सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। ये सब एक्सेप्ट हॉलीडेज है, जो छुट्टी के दिन में खुला नहीं रहेगा। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे देखा जाए तो कटक डिस्ट्रिक्ट के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पर ये एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो इसमें लिखा है कि एरिया ऑफ ऑपरेशन के कैंडिडेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि मंगराजपुर चौधर के कैंडिडेट होना चाहिए। अगर मंगराजपुर चौधर के कैंडिडेट सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो लोग प्रिफरेंस देंगे ब्लॉक एरिया लेवल, दैट इज चौधर के लिए, और देन डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कटक। और तो फिर ऐसे देखा जाए तो कटक के सारे कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।